मेरा नाम संतोष है, मैं पुणे से आया हूँ। मेरे लेफ्ट साइड का कान में तकलीफ था, आवाज़ आने का प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं सुनने का, और एक 10-15 साल से प्रॉब्लम है। पुणे में एक भी ऐसा टॉप में से टॉप डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ऐसा डॉक्टर भी मैंने सर्च किया है जो 40 से 45 ईयर्स का, वहाँ पे भी कंसल्ट कर लिया, और कम से कम मुझे 30 से 40 सेकेंड डॉक्टर के पास विजिट दे चुका हूँ। प्रेजेंट कुछ नहीं, सिर्फ देना है विजिट का, विजिट चार्ज देना है, दवा लेना है, घर पे आना है, खाना है, बस वापस जाओ, वापस चार्जर दो, दवा लो, घर पे आओ, इतना ही। वो तो सोच ही नहीं सकता इतना पैसा तो गया है। एक्चुअली मैंने मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बताया था, प्लस मैंने उसने बताने के बाद मैंने आपका यूट्यूब पर सर्च किया एक्चुअली। और खास बात ये है कि मुझे गारंटी नहीं हुआ, मैंने आपके रिव्यू सारे बहुत पढ़े, लोगों के पीछे वीडियोज देखे, ये देखे, और बहुत सोचा कि ऑलरेडी मैं टॉप के टॉप में से लोगों के पास जाके आ चुका हूँ। फिर मुझे कहाँ से भी पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ से भी एक बिना ऑपरेशन का और नाम देखा, मैंने ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दौरा में ये सब सोचा एक बार चलो ट्राई कर लेते हैं, कि ऑलरेडी आप इतना बजे में घूम चुका हूँ कि हाथ परेशान हो गए, आखिर उम्मीदें छोड़ी थी मैंने सच्ची बोलो तो, लेकिन यहाँ पे चलो एक ट्राई कर लेते, आखिरी कोशिश है, ये कोशिश सक्सेस करने के लिए यहाँ पे आया था। एक ए प्रोसेसर ऐसा रहा कि मैंने ट्रीटमेंट के पहले भी एक टेस्ट किया है कि आवाज़ में एकदम नहीं सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन 3 घंटे के बाद मैंने कुछ दवा दे दिया, फिर उसके बाद में जब मुझे रिजल्ट आया होगा वो सोच के बता भी नहीं सकता, मेरे आँख में से आंसू आने चालू हुए कि जहाँ पे पुणे में जो 40-50 साल के एक्सपीरियंस के लोग है MBBS से लेकर टॉप बड़े हॉस्पिटल में, जो वहाँ पर नहीं हुआ वो यहाँ पे आके छोटे से सेंटर में 3 घंटे, मतलब 3 घंटे के अंदर रिजल्ट कर दिया। ये वो किसी तो बता ही नहीं सकता है कैसा है, वो तो मुझे बता भी नहीं सकता है सर। माझं नाव संतोष आहे, मी सांगतो तुम्ही या अहमदाबादला, कारणाचं जर खरंच कोरोना जर आयुष्यामध्ये प्रॉब्लेम असेल तर सगळ्या ठिकाणी हरलेला असताना तो माणूस इथे येऊ, एकदा येऊन जावा, पैशाचा विषय नाही आहे तिथं, फक्त एकदा एक फिरायला आलं म्हणून या आणि टेस्ट करायला, आणि मग त्याचा रिझल्ट मला सांगा काय होईल ते।